नगर निगम क्षेत्र के पशुपालकों के पशुओं का एनिमल टैगिंग एक माह के अंदर किया जाएगा। बिना टैगिंग के मवेशी पाए जाने पर उन्हें जब्त किया जाएगा, साथ ही मवेशी मालिकों पर कार्यवाही की जाएगी। नगर निगम आयुक्त रोहित व्यास ने निगम सभागार में शहर के पशुपालकों की बैठक ली। बैठक में पशुपालकों से कहा कि राज्य शासन के निर्देश पर रोका छेका संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर ने सभी पशुपालकों की बैठक बुलाकर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई भी पशुपालक अपने मवेशी को सड़क पर नहीं छोड़ें। सभी पशुपालक अपने पशुओं को चरवाहा के साथ सड़क के किनारे किनारे चराने के लिए लेकर जाएं। पशु सड़क पर रहने से सड़क दुर्घटना की आशंका बने रहती है। आयुक्त ने कहा कि शहर के सभी पशुपालकों को अपने मवेशी का एनिमल टैगिंग करवाना अनिवार्य है, जिसके लिए पशुपालन विभाग खटालों में जाकर पशु मालक की उपस्थिति में टैगिंग करेगा और पशुओं को पंजीकृत किया जाएगा। एक माह में पूरे निगम क्षेत्र के खटाल मालिकों के मवेशियों का टैगिंग तथा पंजीयन होने के बाद जो जानवर बिना टैगिंग के सड़क पर पाया जाएगा उसे आवारा मवेशी मानकर निगम जब्त करेगा। निगम आयुक्त व्यास ने कहा कि निगम द्वारा सड़क पर घूमने वाले तथा झुंड बनाकर बैठे मवेशियों को पकड़कर गौठान में रखा जा रहा है। एनिमल टैगिंग की शुरुआत गौठान में रखे गए 800 से अधिक गाय बैल सांड से की जाएगी। उन्होंने कहा कि निगम द्वारा चलाए जा रहे रोका छेका संकल्प अभियान में लगे कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, जो उचित नहीं है। ऐसी शिकायत पर निगम द्वारा शासकीय कार्य में बाधा के तहत FIR कराई जाएगी। बैठक की जानकारी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी शरद दुबे ने दी। अक्सर ये देखा जाता है कि सड़क पे मवेशी घुमंतू रूप में घूमते रहते हैं, झुंड बनाकर चौक चौराहों पे बैठे रहते हैं, जिससे दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है और कई बार दुर्घटना होता है तो जनहानि और पशुधन की भी हानि होती है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए नगर पालिका निगम भिलाई द्वारा लगातार रोका छेका संकल्प अभियान राज्य सरकार के निर्देश पर चलाया जा रहा है और पशुपालकों को जागृत करने के लिए माननीय आयुक्त महोदय श्री रोहित व्यास जी ने एक मीटिंग भी पशुपालकों की भिलाई क्षेत्र के जितने पशुपालक हैं उनके एक निगम सभागार में बैठक आयोजित करके उनसे निर्देश समझाइश दिए हैं कि आप अपने मवेशी को रोड पर न छोड़ें जिससे किसी प्रकार का दुर्घटना हो और इनसे बचने के लिए सभी मवेशियों का टैगिंग एनिमल टैगिंग की कार्रवाई की जा रही है। आयुक्त महोदय ने बैठक के दौरान पशुपालकों से समझाइश भी दी है कि कोई भी पशु जो दोबारा रोड पर पाए जाते हैं जिसको संकल्प अभियान के तहत पकड़ के अगर रखा जाता है और छुड़वा के पशुपालक ले जाते हैं और फिर से अगर रोड पर लाते हैं तो ऐसे लोगों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई निर्धारित की गई है। प्रथम बार में 1,000, द्वितीय बार में 2,000, तीसरे बार में 3,000, उसके बाद फिर FIR दर्ज करवाने का भी प्रावधान है। ये कार्रवाई से बचने के लिए पशुपालकों का पूरे निगम क्षेत्र के पशुपालकों का एक बैठक आयोजित करके आयुक्त महोदय ने सभी से जागृति लाने की निवेदन किया था। बैठक में उप संचालक पशु चिकित्सा डॉक्टर DD झा, पशु चिकित्सा सहायक शल्य चिकित्सक सुपेला डॉक्टर संजीव कुमार सिरमौर, जोन स्वास्थ्य अधिकारी स्वास्थ्य सुपरवाइजर सहित निगम क्षेत्र के पशुपालक उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।